नमस्कार दोस्तों, आज अपने शुरू करेंगे टॉपिक एरर वाला, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। तो अपने देखते हैं एरर करते हैं क्लियर। फर्स्ट वाक्य है पीपल हैज स्टार्टेड गैदरिंग टू लिसन टू द सीएम। कि लोगों ने क्या है, सीएम होता चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री क्या सुनने के लिए क्या इकट्ठे हो गए। तो इसके अंदर में एक एरर है, एरर क्या इसका देखो ध्यान से, क्योंकि ये पीपल होता है, ये क्या बहुवचन होता है, अपने आप में क्या होता है, ये प्लूरल होता है। और इस कारण क्या जो हैज लगा ये गलत है, आमतौर अपने हैज लगा देते हैं और पता नहीं चलता अपने को भी पीपल क्या प्लूरल है या सिंगुलर है। तो जो पीपल होता है वो क्या प्लूरल होता है, पीपल होता है लोग, यानी काफी सारे लोगों को पीपल बोलते हैं, अपने एक को नहीं बोल सकते। तो क्या इसके अंदर ये एरर हेल्पिंग वर्ब क्या एरर है, क्या आएगा हैव आएगा। तो बाकी पीपल हैव स्टार्टेड गैदरिंग टू लिसन टू द सीएम, ओके। अब ओके द यूनाइटेड स्टेट्स और मच फॉरवर्ड इन टेक्नोलॉजी, कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है यूएसए है वो तकनीकी मामले क्या फॉरवर्ड बहुत आगे है, मच बहुत अधिक है आगे है। तो इसके अंदर अपने एरर ढूंढने जो मच सही लिखा हुआ है, अगर मच ही आएगा वो तीनों बात नहीं सही है, फॉरवर्ड सही है तो इन टेक्नोलॉजी इन तकनीक सही है। तो गलत कैसे देखो आर गलत है, तो अपने देखने के अंदर तो लगता है कि अपनी हैप्पी वर्ड क्या सही है, क्योंकि यहाँ पर दिया द यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन देखो ये एक चीज एक ही है, चीज के जुड़ी हुई है, यूएसए के जुड़ा हुआ है, तो अपने इसको क्या सिंपली मानेंगे क्या है कि यूएसए के जुड़ा हुआ है, यानी द यूनाइटेड स्टेट्स है, ये एक जो स्टेट्स उसको एक संग्रह है जुड़ा हुआ है, तो अपने आर ही लगाएंगे, इसको सिंपल मानते हैं क्या, अपने ई जी लगाएंगे। पता लगे ना यूएस क्या है, एक ही चीज है, मतलब ये अलग तो है नहीं, इसके अंदर कोई काफी सारे यानी है तो एक स्टेट्स का समूह ही है। तो क्या इसके अंदर अपने क्या हेल्पर सिंगल लगाएंगे, ई जी लगाएंगे, और उस वक्त का होगा द यूनाइटेड स्टेट्स इज मच फॉरवर्ड इन टेक्नोलॉजी। तो अगला कि द इंडियन आर्मी वर नेवर डिफीटेड, हिंदी बन रही है तो हिंदी ऐसे बन रही है कि जो इंडियन आर्मी है वो कभी भी क्या डिफीट यानी हारी नहीं है, हारी नहीं थी। तो इसके अंदर में देखो ये आपका क्या है, एक समूहवाचक है यानी कलेक्टिव नाउन है, तो हमेशा ही जो कलेक्टिव नाउन होता है वैसे सिंगुलर माना जाता है, पता ना आपको, कलेक्टिव नाउन को अपने प्रूव नहीं कर सकते, वो एक सिंगुलर की तरह होता है, ठीक है। तो ये वर्ग क्या गलत होगा, तो द इंडियन आर्मी के अंदर मान लो कि फौजी तो बहुत होती है, लेकिन देखो ये क्या एक कलेक्टिव है, कलेक्शन है, ठीक है। तो इसको अपने एक सिंगुलर मान देंगे, ठीक है, कलेक्टिव नाउन को हमेशा सिंगुलर मानते होते हैं, तो यहाँ पर अपने बाहर जाएगा ना कि बाहर आएगा, ठीक है ना। तो अपने सुन लो क्या होगा, द इंडियन आर्मी वॉज नेवर डिफीटेड। अगर लोग देखो मिस्टर शर्मा हैज टू सन्स बट नन सर्व हिम, तो वो हिंदी सी बन रही है कि मिस्टर शर्मा के दो पुत्र है, किसी कोई भी सेवा नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर नन आया है, ध्यान से सुन लेना, यहाँ पर एक नन आया है, बट के बाद नन आया है। अगर ये ट्रिक होती है भी मान लो बाकी नन आ जाए तो हैप्पी वर्ब है ना, सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है, दोनों क्या सही मानी जाएगी, मतलब ये भी सही है, और अगर मान लो यहाँ पर सब्स आ जाता सिंगुलर आ जाता तो भी क्या सही माना जाता, समझे ना। मतलब मैं नन की बात कर रहा हूँ, बट नन या मतलब नन बट या अदर नन की बात नहीं कर रहा, उसके अंदर कंडीशन चेंज होती है, ओनली सिर्फ नन आ जाए, और अगर बाकी बीच में मध्य में अगर नन आ जाए तो उसके बाद जो मेंबर होती है या हेडमेंबर होती है वो सिंगुलर आती है, उसके साथ यहाँ प्लूरल आती है, दोनों आ सकती है इस कंडीशन में जो बाकी दिया हुआ है, मतलब एक ही नन आए तो। अगला वाक्य है देखो, द जूरी हैव टू डिसाइड द विनर, जूरी ने क्या है विनर का क्या डिसाइड निश्चय किया, विनर का विजेता निश्चय किया। देखो जूरी होता है ये भी क्या कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक क्या है संज्ञा है। तो मैंने पहले आपको बताया जो कलेक्टिव नाउन जहाँ जूरी होती है उसके अंदर क्या कई बंदे होते हैं जो अपने यानी कौन विनर उसका डिसीजन लेते हैं, तो बंदे कई होते हैं, लेकिन ये जूरी होती है क्या होता है कलेक्टिव नाउन होती है, और कलेक्टिव नाउन की वजह से क्या सिंगुलर माना गया है, तो जो है ये गलत है। देखो यहाँ पर क्या है जाएगा, क्योंकि क्या है द जूरी क्या है कलेक्टिव नाउन, मतलब एक समूह है, समूहवाचक क्या है संज्ञा है, तो जो समूह संज्ञा होती है वो सिंगुलर होती है, उसके बाद हेल्पर वर्ब क्या होती है सिंगुलर ही होती है। तो उसके बाद क्या होगा द जूरी हैज टू डिसाइड द विनर, ओके। अलग द पुअर इज टू फेस इंसल्ट, कि जो गरीब होते हैं, देखो ये एक एडवर्ब दिया हुआ है, पुअर क्या है और क्या है सॉरी एडवर्ब नहीं है एडजेक्टिव है, मतलब क्या विशेषण है, तो गरीबी अमीरी सुंदर ये क्या होता है एडजेक्टिव होते हैं विशेषण होते हैं। तो मान लो गरीब हो गया ये,
तो इज क्या गलत है, यहां पर क्या आएगा आर आएगा, क्योंकि यहां सब्जेक्ट क्या हो गया प्लूरल हो गया, यानी बहुवचन हो गया। तो सुधा क्या होगा आपका, द पुअर आर टू फेस इंसल्ट। देखो ऐसे कोई मर्जी वक्त आ जाए जहां पर एडजेक्टिव को प्लूरल बनाया गया है उसके बाद मिसिंग जो हैप्पी वर्ब हो या मेन वर्ब हो वो में से क्या है प्लूरल लगाकर सिंगुलर नहीं आएगी। अगला वाक्य देखो आपका, एवरी बॉय मस्ट ब्रिंग द बुक। प्रत्येक लोग क्या है पुस्तक लाना क्या है जरूरी है, आवश्यक है, नेसेसरी मतलब बहुत जरूरी है, मस्ट आ गया ना मतलब बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर कोई बात है एवरी के साथ मैंने बताया था कि एवरी आ जाए तो उसके बाद क्या जब नाउन हमें आती है प्लूरल आती है, चाहे कॉमन नाउन हो ठीक है वो क्या प्लूरल आती है। तो यहाँ पर एवरी तो गलत है, या इसको गलत मान लो इसको बॉयज कर दो तो सही माना जाएगा, या मान लो इसको बॉयज पढ़ा देते हैं तो यहाँ पर क्या एवरी नहीं होकर जाएगा। कारण क्या है कि जो एवरी होता है वो हमेशा क्या है प्लूरल नाउन के साथ आता है, जो ईच होता है वो हमेशा क्या है सिंगुलर नाउन के साथ आता है। सुबह क्या होगा आपका, ईच बॉय मस्ट ब्रिंग द बुक, पता लग गया आपको। यानी क्या मतलब सीधा सा है कि जो आपका एवरी होता है, मान लो एवरी आ गया उसके बाद क्या आपका क्या है जो नाउन है वो क्या प्लूरल आएगी, और जो आपका ईच होता है उसका नाउन क्या आती है सिंगुलर आती है। ये ध्यान रखना, ये दो बातें ध्यान रखना, एवरी का यूज कैसे होता है और ईच का यूज कैसे होता है। मस्ट आना चाहिए, क्या लगेगा मस्ट, यानी जो कार्य बहुत ही आवश्यक हो जरूरी हो वहां पर शुड नहीं आ सकता, पता है आपको क्या इसका मस्ट आएगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या आना चाहिए मस्ट आना चाहिए, शुड नहीं आएगा, शुड आता है सिर्फ सलाह के लिए, मगर नॉर्मल सा कार्य सलाह के लिए, जैसे माँ बाप की सेवा करना एक सलाह है ठीक है, देश की सेवा करना सलाह है। लेकिन देखो यहाँ पर एग्जाम की बात हो रही बहुत ही जरूरी है तो मस्ट आएगा, जैसे ऊपर देखो बुक लाना जरूरी है मगर मस्ट मैंने यूज किया था, क्या मस्ट सही था, क्योंकि बुक थोड़ा जरूरी होती है ये कोई सलाह होती नहीं है, और जो एग्जाम देने की सलाह नहीं है क्या जरूरी है, यहाँ पर क्या मस्ट आएगा ठीक है। और आज के लिए इतना ही, अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।